शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। Merry Christmas. बाल बनाया जा सकता है, गाल सजाया जा सकता है, लेंस बनाया जा सकता है, पेन चलाया जा सकता है, टेस्ट करो, इरिगेट करो, थर्मामीटर को चाहे रीसेट करो, आइटम है फेजो, फिर भी काम में लाया जा सकता है, दाग हटाया जा सकता है, झाग बनाया जा सकता है। अब कैच पियोज के 6-6 मजेदार फ्लेवर्स हैं, तो आपके मेहमान सादे पानी का क्या करेंगे? सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज को मिलाओ। हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, खुश रहना, कीप ड्रीमिंग, कीप यू नो एंजॉयिंग योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर योर हार्ट इज टेलिंग यू टू डू, सो हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू हैव अ ग्रेट न्यू ईयर एंड एक्सीलेंट 2013। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैव अ रियली रियली गुड फैशनेबल स्टाइलिश न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं रवीना टंडन और आपके दर्शकों को मैं नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। तारीख 24 दिसंबर, आगरा का बसई इलाका, जहां दो परिवार रहते थे। दोनों परिवारों के बीच खून का रिश्ता था, लेकिन बड़े भाई के परिवार पर जायदाद का लालच सवार था। वो तो किसी तरह अपने मकसद को हासिल करना चाहते थे, चाहे खूनी क्यों ना बहाना पड़े। रिश्तों पर लालच हावी, खत्म हो चुकी थी रिश्तों की मिठास, खुल चुका था जहर, भाई बना भाई के, परिवार का दुश्मन, और फिर बहा दिया खून, कर दिया कत्ल। अस्पताल के इर्द गिर्द पुलिस की चहलकदमी, लोगों की हैरानी, हर शख्स सन खड़ा है, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। अब चलिए अस्पताल के भीतर दाखिल हुआ जाए, यहां पर भी पुलिस मौजूद है। अब जरा इस मंजर को देखिए, स्ट्रेचर पर खून से लथपथ महिला, मीना के जिस्म में गोलियां दागी गई हैं, मीना दम तोड़ चुकी है। मीना नाम की यह महिला जायदाद की भेंट चढ़ी है। मीना का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही सगे हैं। पति के बड़े भाई ने मीना को मौत के घाट उतार दिया। थाना ताजगंज में आज अभी एक घटना हुई है, जिसमें एक महिला जिसका नाम मीना देवी है, उसको गोली मारी गई है, और जो अभी छानबीन में पता चला है कि उसके संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था उसके परिवार में ही। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात आगरा के थाना ताजगंज इलाका बसई की है। 40 साल की मीना अपने पूरे परिवार के साथ ताजगंज में रहती थी, साथ में एक भतीजा भी रहता था। किसी ने ठीक कहा है कि समय के साथ हर रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। मीना के परिवार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मीना के रिश्तेदारों के मुताबिक मीना के पति का बड़ा भाई नेमचंद, जिस पर जायदाद का लालच हावी था। तारीख 24 दिसंबर, मीना की जमीन बिक चुकी थी और उसकी कीमत 20 लाख उसको मिलने वाली थी।
लेकिन मीना अनजान की नेमचंद मौत बनकर उसका पीछा कर रहा है। तो आज उसके जेठ और उसका जेठ का लड़का, ये दोनों लोगों ने उसके साथ झगड़ा किया और गोली मारी। महिला की अभी हॉस्पिटल से बताया गया मृत्यु हो गई है और इसमें हम लोग दबिश दे रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा कुछ पता लगा हमलावर किस गाड़ी से आए थे और किस तरफ गए? बोलेरो गाड़ी से थे, बताया गया बोलेरो गाड़ी से थे और मरने वाली का भतीजा भी साथ में था, उसने बताया साहब वो नेमचंद और कालीचरण ने गोली मारी है। संपत्ति का विवाद है, इस संपत्ति का सौदा हुआ था जिसमें आज 20 लाख रुपए का चेक मिलना था, उसको लेकर के कुछ आपस में डिस्प्यूट हुआ था, वो घटना का कारण है। पुलिस ने मीना के रिश्तेदारों की तहरीर पर नेमचंद और कालीचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ताज नगरी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लालच में इंसान वाकई अंधा बन जाता है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। यूपी में कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। लगातार हो रही वारदातों और उनका खुलासा ना होने से बदमाश बेखौफ हैं और बेबस जनता लाचार है। गाजियाबाद जहां बदमाशों का कहर एक परिवार पर टूटा। रात के सन्नाटे को चीरती लोगों की मौजूदगी। प्रकाश भवन, विनोद कुमार तायल 2B 112 वसुंधरा। मकान के बाहर घर के लोग खड़े हैं। हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मायूसी साफ झलक रही है। आखिर क्या वजह है लोगों की इस बेचैनी की, हम सब बयां करेंगे। उससे पहले जरा इस दुकान को देखिए। दुकान का नाम टाइल स्टोर। दुकान के भीतर की हालत पर भी जरा गौर करिए। हर सामान बिखरा पड़ा है, तोड़ फोड़ की गई है। अब चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। ये तस्वीर विनोद की है। विनोद इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों ने विनोद को अपना शिकार बनाया है। विनोद काफी जख्मी हुआ है। बंदूक की नोक पर टाइल स्टोर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और तकरीबन 15,000 लूट लिए गए। आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे हस्बैंड और मैं ये परचून की दुकान पे बैठते हैं, तो हम बैठे हुए थे, इतने में दो लोग अंदर आ गए, दो लोग बाहर खड़े हुए थे। एक ने गल्ला खाली करवाया और एक ने राइफल तान रखी थी, उसने गोली चलाई और शीशा तोड़ दिया दुकान का। एक गोली चला के उन्होंने डराया और दूसरे ने गल्ला में से पैसे निकाल लिए और चलते हुए मेरे हस्बैंड के चक्कू मार दिया उन्होंने। और फिर इतने में ही मैं बोलना चाहती थी तो इतने मैं जैसे अंदर को चली गई तो उसने पीछे से फिर एक बार और राइफल एक गोली और दागी। टोटल कितनी गोली उन्होंने चलाई? दो का तो पूरा है, तीन भी हो सकता। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस एक मामला सुलझाती नहीं कि अपराधी एक नई वारदात को अंजाम दे जाते हैं। लूट की सनसनीखेज वारदात गाजियाबाद पुलिस के लिए एक नई चुनौती सामने रखती है। दरअसल बदमाशों ने रात के अंधेरे का भरपूर फायदा उठाया। विनोद अपनी पत्नी के साथ दुकान में था, उसी वक्त बदमाशों का कहर टूट पड़ा। एक आदमी बताओ, परचूने की दुकान में अगर ऐसे वारदात होंगी तो और बड़े लोगों का क्या होगा? गाजियाबाद का हाई प्रोफाइल एरिया है ये वाला वसुंधरा वैशाली। हाँ। पुलिस थाना भी आधा किलोमीटर एक किलोमीटर नहीं जी, एक बार पहले कराई रिपोर्ट, फिर उसके बाद फौरन ही दोबारा 100 नंबर पर डायल किया गया, फिर हमारे पास रिवर्स का फोन आया, उसके बाद भी एक घंटे बाद पुलिस आ गई। थाना कितनी दूर है आपके? ये इंद्रपुरम 10 मिनट का रास्ता है। पुलिस की कितनी लापरवाही मानते हैं कि गश्त वगैरह? सारी पुलिस की क्या, सारा देश भ्रष्ट है जी। पुलिस क्या करेगी जब देश ही भ्रष्ट है? एक तरफ गाजियाबाद पुलिस अपराध पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस को इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस मौके वारदात पर देर से पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सुमन की तहरीर पर 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लूट की इस वारदात ने आखिरकार साबित कर ही दिया कि अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रहा।
संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। अरे, दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं दो रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। क्या आप जानते हैं वो अद्भुत और चमत्कारी मंत्र जिसका है आपकी राशि से सीधा संबंध? तो देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और NCR। आजम खान का दिल्ली और केंद्र सरकार पर करारा हमला, सवालिया लहजे में कहा कांग्रेस ने फेल कराया दिल्ली में स्टूडेंट्स का मूवमेंट, दिल्ली पुलिस ने अराजक तत्वों को मौके पर क्यों नहीं पकड़ा। बरेली में दिनदहाड़े लड़की के अपहरण की कोशिश, छात्र नेता ने साथियों के साथ मिलकर दिखाया दुस्साहस, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फैजाबाद में होटल में बलात्कार मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी दारोगा के अलावा अयोध्या के कोतवाल ने भी लूटी थी लड़की की इज्जत, पीड़ित की शिकायत की जांच शुरू। कुशीनगर में फर्जी SOG टीम का भांडाफोड़, CISF के बर्खास्त कांस्टेबल और 3 होमगार्ड के जवानों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में लुटेरों की तलाश में दबिश डालने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, आरोपी बदमाशों में से एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से भागने में कामयाब। हरिद्वार का मातृ सदन जॉली ग्रांट अस्पताल पर ठोकेगा 100 करोड़ का दावा, अस्पताल पर लगाया संत निगमानंद को जहर देकर मारने का आरोप। अल्मोड़ा के एडम्स गर्ल्स हाई स्कूल में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, गैस सिलेंडर से आग के भड़कने की आशंका। आगरा के जिला महिला चिकित्सालय में 3 नवजात बच्चों की मौत से हड़कंप, देहरादून के कार्नेशन अस्पताल में भी बच्चे की मौत के बाद हंगामा। और वाराणसी में BHU के दीक्षांत समारोह का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन, नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव भी हुए समारोह में शामिल।
और बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से, दिल्ली पुलिस पर आजम खान ने साधा है निशाना।